ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा, यूनिट 9 है। ये यूनिट हमारी कंटिन्यू है और आज हमारा जो टॉपिक है इसमें है फर्स्ट एड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। पहला टॉपिक है फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड अगर वर्ड को हम देखते हैं तो दो वर्ड है, फर्स्ट एंड एड। एड का मतलब होता है हेल्प, सहायता, और फर्स्ट का मतलब आप सब जानते हैं, फर्स्ट मींस सबसे पहले, प्राथमिक जिसको हम कहते हैं, प्राथमिक एड, प्राथमिक सहायता, फर्स्ट सबसे पहले सहायता। तो फर्स्ट एड को हम और जानते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली फर्स्ट एड। देखिए क्या होता है, जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंजरीज हो जाती है या कोई अनकॉन्शियस हो जाता है ना, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में, बंदा फेंट हो जाता है, जो भी कुछ हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हमें ऑन द स्पॉट गिवन हेल्प विद द अवेलेबल रिसोर्सेज जस्ट टू सेव हिज और हर लाइफ इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ये है कि भाई हम पहला हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव ये है कि टू सेव द पर्सन्स लाइफ, है ना। सो व्हाट वी हैव टू डू ऑन द स्पॉट, जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे इंजरीज हुई है, वहीं की वहीं हम अगर विजिनिटी में हैं, सो हमें फर्स्ट एड देना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी कैन डू फॉर दैट कैजुअलिटी, व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पर्सन विद द अवेलेबल रिसोर्सेस, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। हम ये नहीं कह सकते जैसा कि अक्सर लोग करते हैं कि पीपल्स आर जस्ट गैदरिंग अराउंड द पर्सन, लोग एक सर्किल में क्राउड बना के खड़े हो जाते हैं एंड देन दे आर गिविंग द आइडियाज ओनली। अरे यार, कोई जाओ डॉक्टर को बुलाओ, कोई इसको टैक्सी में बिठाओ, कोई इसको कुछ और करो, दे आर जस्ट स्पीकिंग बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो दैट इज वेस्ट, नो यूज ऑफ दैट। मोर ओवर दे आर जस्ट मेकिंग क्राउड और उसको परेशानी हो रही है, दे आर ब्लॉकिंग द वे, फ्रेश एयर को ब्लॉक कर रहे हैं। सो वहाँ पे द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट एड इज दैट कि ऑन द स्पॉट गिवन हेल्प टू द विक्टिम, टू द पेशेंट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज जस्ट टू सेव हिज और हर लाइफ इज कॉल्ड फर्स्ट एड। कि भाई हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ओके यार इट विल बी मच बेटर मेरे पास ये होता ना, बट वी डोंट हैव वॉट एवर। फॉर एग्जाम्पल किसी की ब्लीडिंग हो रही है, सो इन द केस ऑफ ब्लीडिंग ओके वी डोंट हैव एनी बैंडेज और नथिंग, सो वॉट वी हैव टू डू, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्लोथ्स, स्पेयर क्लोथ्स और रुमाल्स इन आवर पॉकेट्स, वॉट वी कैन डू, वी कैन जस्ट टाई टू स्टॉप ब्लीडिंग, कि हम उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करें, दैट इज फर्स्ट एड। कि भाई अदरवाइज वॉट विल हैपन, एक टाइम तक ब्लीडिंग होती रहेगी, पर्सन अनकॉन्शियस है एंड ही विल डाई देयर ओनली, सो द बेसिक थिंग इज जस्ट देयर टू स्टॉप द ब्लीडिंग। या कोई अनकॉन्शियस है, इसकी ब्रीथिंग नहीं चल रही या पल्स नहीं चल रही, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू बी, हम उसकी ब्रीथिंग और पल्स को रिस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड CPR, वी विल कवर कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन, सो वी विल गिव हिम और हर CPR, सो दैट कम्स इन द फर्स्ट एड। तो आई होप आपको फर्स्ट एड क्लियर हो गया है कि भाई विक्टिम को, जो पेशेंट है, उसको उसी स्पॉट पे ऑन द स्पॉट हेल्प इज गिवन टू सेव हिज लाइफ, टू सेव हर लाइफ विद द अवेलेबल रिसोर्स, एंड दैट शुड बी इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि वी आर कीप थिंकिंग फॉर 2, 2, 3, 3, 5 मिनट्स एंड देन वी आर, है ना, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी सहायता से विक्टिम को बचाया जाए, उसको बेसिक नीड क्या है, एंड लेटर वी कैन कॉल द डॉक्टर, वी कैन मेक द कॉल टू द डॉक्टर, वी कैन कॉल हिज रिलेटिव्स इफ पॉसिबल, दैट इज नेक्स्ट स्टोरी, बट यहाँ पे फर्स्ट एड का मीनिंग यही है। अब आते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कि भाई जिससे फर्स्ट एड इफेक्टिव रहेगा, कि व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड डोंट डू, डूज एंड डोंट जिनको कह सकते हैं, कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि फर्स्ट एड इफेक्टिव रहे और किसी की जान बच जाए। सो वी विल डिस्कस नाउ। पहला है इमीडिएट हेल्प। फर्स्ट एड का जो पहला प्रिंसिपल है, दैट इज इमीडिएट एड। इमीडिएट एड, इमीडिएट का मतलब आप सभी जानते हैं, बहुत जल्दी, एड मीन सहायता। तो द फर्स्ट थिंग इज कि उसको जो एड है, जो हेल्प है, दैट शुड बी इमीडिएट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम,
ओके, वी शुड नॉट टेक थिंग्स इन आवर माइंड दैट हैव नो लॉजिक देयर, है ना। इट वुड बी मच बेटर इफ आई कुड डन दिस, ये होता है मेरे पास, ये होता है। सो जस्ट डोंट थिंक ऑल दोज लाइक वेस्टेज थिंग्स, डोंट थिंक अबाउट दोज आइडियाज ना। जस्ट स्टेट वे वी हैव टू स्टार्ट द कीप, वी हैव टू स्टार्ट एक्शन टुवर्ड द फर्स्ट एड, है ना। ये इसका पहला जो है प्रिंसिपल है कि इमीडिएट एड होनी चाहिए, अदरवाइज इफ यू आर जस्ट वेटिंग, 4 से 5 मिनट वेट कर ली, उसका खून निकल गया, मैक्सिमम ब्लीडिंग हो गई, फिर नो यूज, 4 से 5 मिनट तक उसकी पल्स नहीं चल रही, ब्रीथिंग नहीं चल रही, देन ही विल डाई। सो दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल इमीडिएट एड, उसको तुरंत एड देनी है विदाउट थिंकिंग एनी अदर थिंग्स। दूसरा, थिंक अबाउट ए बी सी, देखिए इस पर हम काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कस करेंगे। थिंक अबाउट ए बी सी, एक होता है ए बी सी, ए का मतलब होता है बेटा एयर वे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, एंड सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। सो ए बी सी, एयर वे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सो फर्स्ट थिंग, हो सकता है विक्टिम जस्ट लाई डाउन पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस स्टेट में है या नहीं है, हाउ विल नो वॉट इज द स्टेट, वेदर हिज ब्रीथिंग इज रनिंग, वेदर हिज ब्रीथिंग और नॉट, वेदर हिज हार्ट इज पंपिंग, पल्स इज रनिंग और नॉट। सो वॉट वी हैव टू डू, हमें जानने से पता लगेगा कि देर आर सम एक्शन। तो फर्स्ट थिंग वॉट वी हैव टू डू, वील चेक हिज एयर वे, है ना, हम उसका एयर वे चेक करेंगे। एयर वे चेक करने के लिए समटाइम्स वॉट हैपन्ड कि कई बार आदमी का खुद का ही जो टंग है वो फॉल बैक हो जाता है, पीछे की तरफ बैंड हो जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ अनकॉन्सियस, और वो अपने टंग से ही अपना एयर वे ब्लॉक कर लेता है, या कोई और फॉरन पार्टिकल्स उसके माउथ में, एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो जिसने एयर वे को ब्लॉक किया हुआ है। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू जस्ट चेक द एयर वे, वी हैव विल डेफिनेटली एयर वे चेक करेंगे कि वेदर द एयर वे इज क्लियर नॉट, इफ इट इज नॉट क्लियर एंड इफ यू कैन क्लियर इट, सो इट्स अवर ड्यूटी, द फर्स्ट ड्यूटी जस्ट टू क्लियर द एयर वे, हमें एयर वे को क्लियर करना पड़ेगा बाई यूजिंग अवर फिंगर। जब आप क्लास में आएंगे तो विल गिव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस, बट सो वी हैव टू चेक हिज एयर वे एंड इफ इट इज ब्लॉक वी हैव टू क्लियर इट बाई यूजिंग अवर फिंगर, दैट इज ए। नाउ ब्रीथिंग, सेकेंड थिंग विल चेक हिज ब्रीथिंग, हिज और हर, वेदर ही इज ब्रीथिंग और नॉट। सो हाउ विल चेक द ब्रीथिंग, सी द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू टेक अवर चीक टू हिज, मतलब नियर टू हिज माउथ, अपना जो चीक है, अपना गाल है, उसके माउथ के नज़दीक लेके जाएंगे, तो वील फील सम काइंड ऑफ ही इज ब्रीथिंग, वील फील सम काइंड ऑफ यू नो ब्लो ऑफ एयर स्लाइटली, एक फीलिंग होगी हम अपने चीक पे, दैट इज वन थिंग बाई विच वी कैन चेक वेदर इज ब्रीथिंग और नॉट, है ना। और वी कैन वेरी, मतलब वी हैव टू फोकस ऑन हिज नोज एंड माउथ, एंड वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन हिज चेस्ट। सो इफ द चेस्ट कंप्रेस मीन्स बेसिकली चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है, रिप्स आर अप एंड डाउन, दैट मीन्स ही इज ब्रीथिंग वेल, ही इज ब्रीथिंग। इफ देर इज नो मूवमेंट इन हिज चेस्ट, और अपने हमने अपना चीक लगा के भी देखा, वहाँ से भी हमें नहीं लग रहा है कि ही इज नॉट ब्रीथिंग, सो इन दैट केस दैट मीन्स ही रिक्वायर्ड ब्रीथिंग। सो नाउ वी आर जस्ट चेकिंग, ओके। सो बी का मतलब था वी विल चेक द ब्रीथिंग, नेक्स्ट थिंग इज सी मीन्स सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन सेंस वेदर द हार्ट इज रनिंग और नॉट, दैट मीन्स वी विल चेक हिज और हर पल्स, पल्स है ना, वी ऑल नो कि पल्स आर रिलेटेड टू द हार्ट, कि पल्स एक मिनट में बेसिकली जो है एज एन एवरेज है 72 टाइम्स एवरेज जो उनकी है पल्स रेट होता है, इट मे बी वेरीज लाइक मे बी 70, 65, 80 और 90, वो अलग चीज़ है, बट एज एन एवरेज जो पल्स रेट है एक मिनट में 72 ली जाती है। सो वी विल चेक द सर्कुलेशन मीन्स वील चेक द पल्स ऑफ द विक्टिम। सो वॉट वी हैव टू डू दैट, नॉर्मली हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आर चेकिंग और पल्स रिस्ट पे चेक करते हैं, बट हेयर द बेस्ट थिंग इज टू चेक हिज पल्स बाई समथिंग इज नॉट कैरोटिड पल्स, जो अपनी थ्रोट में होती है, बिकॉज दे आर क्वाइट क्लोज टू द हार्ट, सो दे कैन ईजीली फेल कंपेयरिंग टू द रिस्ट, रिस्ट पे इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पे जो पल्स है थोड़ा, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर, सो हमारे लिए इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, और समटाइम्स किसी केस में जो पल्स जो है बेसिकली बहुत वीक है, सो इन दैट केस बेटर टू चेक हेयर एट द थ्रोट एरिया, सो यू विल फाइंड कैरोटिड पल्स। यहाँ पे अगर पल्स आर रनिंग तो डेफिनेटली यू कैन फील वेरी वेल, इफ दे आर नॉट
इफ देर इज नो पल्स दैट मींस द पल्स आर डेड, बेसिकली चल नहीं रही है. सो फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि हमने उसका एयर वे क्लियर कर दिया या क्लियर है, उसकी ब्रीथिंग और सर्कुलेशन बोथ आर नॉट, है ना, वो ना ब्रीथिंग उसका चल रहा है ना सर्कुलेशन चल रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट सीपीआर. सीपीआर बेटा, सीपीआर, सी का मतलब होता है कार्डियो, पी का मतलब होता है पल्मोनरी, और आर का मतलब होता है रेसुसिटेशन. आर ई एस यू एस सी आई ए टी आई ओ एस, रेसुसिटेशन. So what we have to do, we will start CPR, that is cardiopulmonary resuscitation. So what is the procedure of to start the CPR? So what we have to do, we have to come, देखिए practical class में वैसे तो लिया जाएगा कि practical class में it will be much better to demonstrate it and you can understood very well. But हम थोड़ा basic सा यहाँ पे जाएंगे. सबसे पहले जो victim है उसको हम एक हार्ड सरफेस पे लिटा देंगे, ले डाउन कर देंगे, ठीक है. देन वी कैन रिमूव हिज क्लोथ शर्ट ऑल्सो पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल नॉट रिक्वायर्ड. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिट ऑन द राइट साइड ऑफ द कैजुअलिटी. कैजुअलिटी के पेशेंट के विक्टिम के राइट साइड में बैठेंगे एंड राइट साइड में बैठने के बाद हम उसके जो नोज है उसको क्लोज करेंगे बाय यूजिंग आवर फिंगर्स, और उसके बाद अपने अपना जो माउथ है, अपने जो लिप्स हैं, हम उस जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसके लिप्स से सील करेंगे. देन वी विल गिव आवर ब्लो, जो हम एक्सेल कर रहे हैं, बेसिकली जो एक्सेल कर रहे हैं अपना एयर, वो एयर उसको ब्लो करेंगे. सो वी विल डू इट ट्वाइस, हम दो बार, जैसे हमने लिया ब्लो कर दिया, फिर हमने लिया, देन अगेन वी ब्लो. सो द लॉजिक इज हेयर टू क्लोज द नोज, की नोज से बेसिकली लीक ना हो. सो जो हमारा एक्सहेल एयर है वो उसको विक्टिम को देना है, वो उस पर्सन को देना है, इंडिविजुअल को देना है, ब्लो करके बाय सीलिंग अवर लिप्स टू हिज लिप्स और हर लिप्स. ओके, देयर इज नथिंग सेम इन दैट बिकॉज वी आर सेविंग लाइफ टू समवन. यहाँ पे किसी की जिंदगी का सवाल है, यहाँ पे हमें और कुछ नहीं देखना है कि कोई किसी तरह का. यस अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, वी कैन यूज सम काइंड ऑफ लाइक वेरी लाइट क्लोथ, रुमाल यूज कर सकते हैं, बट क्लोथ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी एयर है दैट कैन रीच टू हिज माउथ और हर माउथ. ओके, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेबल बाय द बुक इज. ओके, सो वी देन वी हैव टू ब्लो टू, बेसिकली टू ब्लो देने हैं. आफ्टर गिविंग टू ब्लो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसको चेस्ट को कंप्रेस करना है. सो वॉट वी हैव टू डू, हमारी पाम्स को, एक अपना पाम्स नीचे रहेगा, दूसरा उसके ऊपर रहेगा, और जो उसका हार्ट होता है, हार्ट बेसिकली अपना जो ये अपने रिब्स देखा होगा, जो लोअर रिब्स होता है, स्लाइटली टुवार्ड्स लेफ्ट होता है हार्ट, जो सेंटर होता है, सेंटर से स्लाइटली टुवार्ड्स लेफ्ट होता है. बट कोई नहीं, आप अगर बिकॉज वी हमारा जो पाम का एरिया है काफ़ी होता है, अगर हम सेंटर से थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट को कंप्रेशन देंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव द 15 कंप्रेशन, हम बैठ कर इसको 15 बार उसकी चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे लाइक दैट 1 2 3 4 5 15 टाइम्स. वी विल गिव द 15 टाइम्स कंप्रेशन, अगेन वी विल गिव द 2 एयर ब्लो, फिर हम दो बार, इफ यू आर अलोन, अगर हम पेयर में हैं तो अलग चीज़ें मैं बताऊँगा, बट इफ़ यू आर अलोन फिर से हमें दो ब्लो अपना ब्रीथिंग का देना है, फिर से 15 बार उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है. एंड वी विल कीप डूइंग दिस, कब तक, पहली चीज अगर विक्टिम या पेशेंट या पर्सन उसको मतलब होश आ जाता है, वो अनकॉन्शियस स्टेट से निकल जाता है, है ना, दैट इज वन क्रिटेरिया, या कोई डॉक्टर आ जाता है, या उसको जब तक कोई एम्बुलेंस आ जाती है, सेकेंड क्रिटेरिया. बट वी विल कीप डूइंग दिस बिकॉज अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली कुछ मिनट, मोर देन 4 or 5 मिनट्स, ब्रेन डेड हो जाएगा. सो ये बेसिक ड्यूटी है हमारी, बिकॉज हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ हार्ट इज नॉट रनिंग फॉर फ्यू मिनट्स, मे बी 3 मिनट्स, देन पर्सन मे डाई. सो यहाँ पे वी विल इग्नोर द अदर इश्यूज, कहीं पर स्मॉल ब्लीडिंग हो रही है, वी कैन इग्नोर दैट वेरी वेल, नो प्रॉब्लम, है ना. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट की वी हैव टू रीस्टार्ट हिज हार्ट एज वेल एज ब्रीथिंग. उसी को हम बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन. कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स,
एंड रेसुसिएशन मीन्स रीस्टार्ट, हमें उसका लंग्स हार्ट वाला जो सिस्टम है उसको रीस्टार्ट करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द CPR। तो ये इसका जो सेकंड प्रिंसिपल था, थिंक अबाउट ABC। सो हमने जाना व्हाट इज ABC, ए मीन्स एयरवे, बी मीन्स ब्रीथिंग, सी मीन्स सर्कुलेशन, हमें ये सब चेक करना है। एंड इफ दे आर नॉट रनिंग, इट मीन्स इफ द ब्रीथिंग इज नॉट देयर, सर्कुलेशन इज नॉट देयर, देन वी स्टार्ट CPR, वी विल गिव हिम और वी विल गिव हर CPR। हाउ टू गिव CPR, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली, 2 माउथ ब्लो एंड 15 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशंस। व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग दैट, वी विल डू इन द प्रैक्टिकली इन द क्लास, ओके, जब आपकी स्कूल लगेंगे, व्हेन यू विल कम फिजिकली। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है स्टॉप ब्लीडिंग। ओके, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका स्टॉप ब्लीडिंग। हमने इसको देखा, ABC को देखा, CPR को देखा, स्टॉप ब्लीडिंग। अगर विक्टिम को ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो अगर हमें, हमारी ड्यूटी है कि हम ब्लीडिंग को रोकें, बिकॉज व्हाट विल हैपन अगर उस तरह की ब्लीडिंग और चलती रहेगी कुछ मिनट, सो उससे अपना पूरा उसका ब्लड है बॉडी से निकल जाएगा एंड द पर्सन मे डाई। सो वी हैव टू ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग कैसे स्टॉप करते हैं, मैंने बताया कि हमारे पास वी कैन इवन यूज अवर ऑन शर्ट, कि शर्ट को कंप्रेशन करना है, जिस पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है उसको बांधना है, ओके। समटाइम्स व्हाट वी कैन डू, कि अगर लेग में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हमें बांधना भी है, एज वेल एज वी कैन रेज द लेग अबाउ द हार्ट लेवल, हार्ट लेवल से ऊपर उस लेग को उठा देना है, या हैंड में ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली फर्स्ट वी हैव टू टाई द वॉन्ड, जो वॉन्ड है, जो घाव है उसको बना हुआ है, हमें उसको टाई करना है, कंप्रेशन देना है जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। अगर फिर भी नहीं रुक रहा है तो वी हैव टू रेज दैट पर्टिकुलर पार्ट अबाउ द हार्ट लेवल। सो वट एवर द मेथड्स वी आर यूजिंग, वी कैन, बट वी हैव टू स्टॉप ब्लीडिंग। दैट इज द अनदर प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। नेक्स्ट है क्राउड केप्ट अवे। जो भीड़ है बेटा, केप्ट अवे, दैट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट विक्टिम्स। कई बार क्या होता है कि किसी का कोई इंजरीज होगी, एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो व्हाट हैपेंस जनरली, क्या होता है, यू हैव सीन द पीपल्स आर जस्ट गैदरिंग अराउंड द पर्संस, एक तमाशबीन की तरह वो चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, बट दे आर डोंट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, जीरो एक्शन होता है, जस्ट दे आर जस्ट यू नो मेकिंग ब्ला ब्ला, खाली बोलते रहते हैं। सो जो फर्स्ट एडर है, जो फर्स्ट एड दे रहा है, जो विक्टिम की हेल्प कर रहा है, उसको इट्स हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी कि टू टेल द पीपल्स कि भाई गो अवे, डोंट मेक एनी अननेसेसरी क्राउड अराउंड द पर्सन। मोर ओवर क्या होगा कि क्राउड बनाने से क्या होता है कि जो विक्टिम है उसको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, और अगर विक्टिम है कॉशियस है, उसकी आंखें खुली हुई है, वो उसको लगेगा कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, कि वाई द पीपल्स आर अराउंड मी, एक बहुत बड़ी भारी भीड़ मेरे चारों तरफ क्यों है ना। सो वो और ही विल बी लाइक इन मोर पैनिक। सो टेल द पीपल्स कि भाई डू नॉट मेक एनी अननेसेसरी क्राउड सराउंडिंग द और अराउंड द पेशेंट्स। सो क्राउड शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम द प्लेस। नेक्स्ट है रैप द इंजर्ड इन क्लोथ्स। देखिए, जिसको इंजरी होती है उसके लिए एडवाइस किया गया है कि उसको क्लोथ में रैप करो, उसको बेसिकली उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होने देना है बॉडी का। सो वट एवर द वेज वी आर हैविंग, आप वहाँ पे जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, लाइक अगर ये केस अगर विंटर में हुआ है, सो समटाइम्स वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ ब्लैंकेट और सम काइंड ऑफ अदर थिंग्स, है ना, सो वी कैन यूज दोज रिसोर्सेज, दोज क्लोथ्स बाई रैपिंग फॉर दैट पर्पज, और है ना, या हमारे पास अपना कोई जैकेट है, सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज मेथड्स वी कैन यूज। सो बेसिकली है क्या कि रैप द इंजर्ड इन क्लोथ्स, सो उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगला है सिंपैथेटिक एटीट्यूड। सो सिंपैथेटिक एटीट्यूड में क्या है बेटा, देखिए, our attitude towards the patient, our attitude towards the person who is suffering from that problem, sympathetic होना, एक sympathy होना चाहिए, उसको डराना नहीं है हमें, क्योंकि already वो डरा हुआ है, उसको और नहीं डराना है, उसको उस
उसको बेसिकली उसका कॉन्फिडेंस अप करना है, उसको एक तरह से मोटिवेट करना है कि यू आर ओके, नथिंग हैज हैपेंड, यू जस्ट रिक्वायर स्मॉल ट्रीटमेंट, वील टेक यू टू द हॉस्पिटल, डोंट वरी, वील लुक आफ्टर यू, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड योर रिलेटिव्स, लाइक दैट. सो बेसिकली उसको एक सिंपैथी देनी है कि यार ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है, हो गया है ना. ये नहीं कि रादर टू लाइक गिविंग द सिंपैथी, वी आर जस्ट उसको ना एक और फोबिया क्रिएट कर रहे हैं और डरा रहे हैं. सो इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. सो एक सिंपैथी हमें दिखानी है, एटीट्यूड हमें सिंपैथेटिक एटीट्यूड दिखाना है, एक पॉजिटिवनेस दिखानी है वहाँ पे. नेक्स्ट है और फाइनल है मेडिकल एड. डेफिनेटली जो कुछ एक्शन हमने वहाँ पे ले लिए कि भाई हमने ब्लडिंग को स्टॉप कर दिया, हमने क्राउड को भी दूर कर दिया, हमारी सिंपैथी भी टुवार्ड्स द पेशेंट इज गुड, अच्छी है, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली द ट्रीटमेंट, हु विल डू द ट्रीटमेंट, द डॉक्टर्स और द हॉस्पिटल रिक्वायर्ड. सो इन दैट केस इट्स अवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म हिज गार्जियंस, पेरेंट्स, हिज रिलेटिव्स, और द बेस्ट थिंग द फर्स्ट टू इन्फॉर्म द एम्बुलेंस और द मतलब टेक हिम टू द हॉस्पिटल. सो बेसिकली यहाँ पे मेडिकल एड, बिकॉज अल्टीमेटली ये देखिए हमने वहाँ पे फर्स्ट एड दिया है. फर्स्ट एड का मैंने मीनिंग यही बताया था कि हमने उसकी लाइफ को, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, उसकी लाइफ को बचाना था. हमारी छोटी से हेल्प से उसकी लाइफ बच गई, बट उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट है दैट विल बी डन इन द हॉस्पिटल ओनली बाय द डॉक्टर्स. सो उसके लिए जो वट एवर द प्रोसीजर लॉन्ग है, सो उसको मेडिकल एड देना है, मेडिकल सहायता देनी है और उसको हॉस्पिटल में ले जाना है. तो ये सब प्रिंसिपल्स थे फर्स्ट एड के. एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर रहा हूँ. फर्स्ट एड का मतलब मैंने समझाया था कि ऑन द स्पॉट हेल्प इज गिवन टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड फर्स्ट एड, है ना. ये उसके प्रिंसिपल है कि भाई इमिडिएट होना चाहिए, बहुत जल्दी देना चाहिए फर्स्ट एड. उसके बाद क्या, थिंक अबाउट ABC के बारे में सोचना है कि हो सकता है उसका हार्ट नहीं चल रहा हो, ब्रीथिंग नहीं चल रही हो, उसका एयर वे ब्लॉक हो, तो हमें उसका एयर वे क्लियर करना है, हमें ब्रीथिंग उसकी भी स्टार्ट करनी है, सर्कुलेशन स्टार्ट करना है, दैट इज नोन एज CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिएशन. उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड का बेटा, स्टॉप ब्लीडिंग. बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बाकी ठीक ठाक है, लेकिन इंजरी हो गई है, काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करनी है. कैसे करनी है, आई टोल्ड यू, वट एवर द अवेलेबल रिसोर्सेज हमें करनी है. उसके बाद क्या है, क्राउड कैप्ट अवे, लोगों को दूर रखना है जो अननेसेसरी भीड़ बना के रखे हैं, काम कुछ कर रहे हैं खाली, उनको दूर रखना है. रैप द इंजर्ड इन क्लोथ, जो इंजर्ड पर्सन है बेस्ट है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम क्लोथ में रैप करें ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन ना आए. उसके बाद है सिंपैथिक एटीट्यूड, हमें उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है बहुत सिंपैथी रखनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिवनेस दिखानी चाहिए, और फाइनल है मेडिकल एड, और फाइनली उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट एड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड. आई होप इट्स क्लियर टू यू. हैव ए ग्रेट डे.